उम्र चाहे जो हो, लेकिन एक सच यह तो है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अभी भी राजनीति की सक्रिय पारी खेल रहे हैं। यही नहीं, वो काफी आक्रामक बैटिंग भी कर रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद के हालिया बयान ने भी बिहार की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के इस बयान ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति को ही साइडलाइन कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में लालू प्रसाद के इस बयान के काफी मतलब निकाले जा रहे हैं। लालू प्रसाद ने 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस की तीसरी बैठक से पहले ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में एक ही नहीं कई संयोजक बनेंगे। ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच समन्वय ठीक से स्थापित हो सके। एक संयोजक को 3 से 4 राज्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। अब सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे में नीतीश कुमार भी सिर्फ एक संयोजक बनकर रह जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ऐसा इसलिए कि मुंबई बैठक पर जदयू की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि इसमें नीतीश कुमार और भी मजबूत बनकर उभरेंगे। इन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा बनाकर आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। इसके लिए सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। मगर लालू ने एक ही नहीं कई संयोजक बनाने की बात कहकर ये साबित करने की कोशिश की है कि इंडिया में सर्वे सर्वा नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, इनकी सीमा भी अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह ही रहेंगी। दूसरी ओर यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव के इस बयान का एक पक्ष यह हो सकता है कि वो अपनी सुपरमेसी साबित करना चाहते हों। ऐसा इसलिए यह चालाकी उनकी राजनीति का स्टाइल रहा है, जहां वे हास परिहास में बड़ी बात कहकर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। महागठबंधन की पहली बैठक जो पटना में हुई थी कि महफिल लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर लूट ली थी कि राहुल गांधी दूल्हा बनेंगे और हम सब बाराती। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं, बिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बाराती चले। वहीं मुंबई की तीसरी बैठक के पहले लालू प्रसाद यादव का यह बयान बहुअर्थी है। इनके बयान में कई संकेत हैं। मसलन, क्या क्षेत्रीय दलों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या एक संयोजक बनने से गठबंधन में फूट की संभावना दिख रही है? क्या महागठबंधन में किसी एक नेता को पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा कर सफलता की उम्मीद नहीं है? क्या महागठबंधन नीतीश कुमार के चेहरे के अलावा भी बाकी क्षेत्रीय दलों के चेहरों के साथ उतरना चाहती है? या कांग्रेस नहीं चाहती कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई चेहरा राहुल गांधी के बराबर खड़ा हो? एक से अधिक चेहरे को प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़ने के मूड में आ रहा विपक्ष एक संयोजक की थ्योरी के सहारे जीत हासिल नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर ममता बनर्जी या नीतीश कुमार के नाम पर क्या दक्षिण में वोट मांगे जा सकते हैं? इसलिए भी कई संयोजक बनाने की थ्योरी पर काम हो रहा है। ऐसे में एक संयोजक को 3-3 राज्यों का प्रभारी बनाकर बेहतर रिजल्ट पाया जा सकता है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसमें कांग्रेस की छटपटाहट भी नजर आ रही है। कहीं कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का एज तो नहीं लेना चाहती? कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिमाग की ही ये उपज है कि 5 संयोजक बनाकर कांग्रेस से किसी को संयोजक मंडल का अध्यक्ष बना दिया जाए। ऐसे में सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास ही रहेगी। बहरहाल इस सारे प्रश्नों का जवाब तो मुंबई में आयोजित 31 अगस्त और 1 सितंबर की बैठक के बाद ही मिल पाएंगे। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।